हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। तो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैं मेट्रो में बैठ गई फटाफट जाने के लिए इस्कॉन जुहू टेंपल मुंबई, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है श्रावण का झूलन यात्रा, यानी कि हिंडोला दर्शन, श्रृंगार दर्शन भी कहते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन के सारे मंदिरों में, श्री बांके बिहारी हो या राधा रमन लाल जू हो या श्री राधा वल्लभ लाल जू हो, राधा रानी का बरसाना धाम हो, हर जगह झूलन यात्रा शुरू हो चुकी है और हर जगह बहुत सुंदर तरीके से प्रभु को फूलों के झूले पे बिठा के झूला झुलाया जाता है। तो चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। और फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। माहौल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि आज सैटरडे है, तो हमने सोचा कि हम आज पहला दिन ही है झूलन यात्रा का, हम सोचे कि आज ही हम दर्शन कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर संडे हो जाएगा और संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, तो फिर दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो हम फाइनली अंदर जाते हैं और हम देखते हैं अंदर की क्या क्या तैयारी है। और ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से तैयारी चल रही है। अभी तक प्रभु को विराजमान नहीं कराया है, अभी सिर्फ तैयारी ही हो रही है। तो फिर एक बार जब अच्छे से सब तैयार हो जाएगा फिर हम अंदर जाएंगे दर्शन वगैरह करने, फिर वापस से बाहर आएंगे। तब तक मैं आपको ये सारी चीज़ों का दर्शन करवा देती हूँ, किस तरीके से अच्छे तरीके से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। और सिर्फ यही श्रावण और मेरे ख्याल से जन्माष्टमी, ये दो ही दिन भगवान को बाहर झूला झुलाने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। तो मैं लास्ट ईयर तो मैं चली गई थी अहमदाबाद, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मैं हूँ तो मैंने सोचा कितना अच्छा मौका कौन छोड़ सकता है। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हम खुद भी झूला झुला सकते हैं प्रभु को, यानी कि हमारे श्री श्री राधा रास बिहारी जी को। तो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई भक्त कैसे छोड़ सकता है कि जब उसको पता चले कि वो जिनकी जिनसे मिलने वो रोज़ जाता है, जिनको वो रोज़ निहारता है, उनको झूला झुलाने का मौका मिलेगा आज के दिन, तो ये हर डिवोटी के लिए बहुत ही बोलते हैं ना कि ऑस्पिशियस और हैप्पी मोमेंट हो जाता है। आप लोगों को भी पता है कि ये कितना मतलब कितना अच्छा फील होता है। आप घर पे भी ये कर सकते हैं, झूले को अच्छे तरीके से सजा के अपने राधा रानी, अपने कृष्ण, लड्डू गोपाल सबको झूला झुला सकते हैं। सारी चीज़ें घर में भी कर सकते हैं, और अंदर का माहौल इतना ज़्यादा रश है और यहाँ पे चल रहा है कीर्तन। तो हम दर्शन करते हैं फिर बाद में बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जय श्री राधे। Shinga,
हरी बोल। तो फाइनली हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन भी कर लिया, डांस भी कर लिया और सुंदर तरीके से हमने झूला भी झूला लिया प्रभु को। थोड़ी देर हम बैठे हैं, अच्छे से उन्हें देख के आए हैं और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दर्शन किया होगा मुझे उम्मीद है। और आप देख ही रहेंगे कितनी बुरी हालत है, पूरा पसीने से हम तरबतर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हम थे। तो अब हम फटाफट सीधे घर जाएंगे घर पर, क्योंकि हम लाला को लेके नहीं गए थे। तो अब हम उनके लिए भोग बनाएंगे घर जाके। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राधे।